मित्रों नमस्कार। यूपी बोर्ड परीक्षा 2019 यूपी बोर्ड के मेधावियों को 80,000 रुपये सालाना की छात्रवृत्ति। ये केवल यूपी बोर्ड वालों को ही नहीं मिलती बल्कि अन्य बोर्ड वालों को भी 80,000 रुपये सालाना की छात्रवृत्ति मिलती है और ये छात्रवृत्ति उन्हें 5 वर्षों तक मिल सकती है 4 लाख के बराबर, 4 लाख रुपये। लेकिन कब मिलती है, किसे, क्यों और कब से कब तक ये मिलती है या मिलती रहेगी छात्रवृत्ति, ये सारी बातें आप इस वीडियो में डिटेल में देख सकेंगे और प्रूफ के साथ देख सकेंगे। लेकिन मित्रों इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे इस चैनल जो भी वीडियो अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इससे पहले जो 2018 में जिन्होंने यूपी बोर्ड पास किया है उन्हें कितना मार्क्स लाना था या कितना मार्क्स लाए हैं और वो कब से इसका आवेदन कर सकेंगे, अभी आगे वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे। उससे पहले देखते हैं कि ये किसे मिलती है छात्रवृत्ति। तो मित्रों यहाँ देखें, इंटरमीडिएट जो साइंस साइड के स्टूडेंट हैं, चाहे वो ZBC माने बायोलॉजी ग्रुप के स्टूडेंट हों, चाहे वो मैथमेटिक ग्रुप के स्टूडेंट हों, उनको मुख्य रूप से छात्रवृत्ति मिल सकती है। क्यों मिलेगी या किसको मिलेगी ये छात्रवृत्ति, उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलती है या उन्हीं स्टूडेंट को ये छात्रवृत्ति मिल पाती है जो मेधावी होते हैं। मेधावी का मतलब क्या है, यहाँ पे मेधावी का मतलब है कि वो इंटरमीडिएट में 80% से ऊपर नंबर लाएं। अब 80% से ऊपर नंबर लाने से मतलब ये नहीं कि 80% से ऊपर नंबर आ जाए, 80% नंबर किस में लाना है। मुख्य रूप से जैसे बायोलॉजी ग्रुप के छात्र हैं तो उनको बायोलॉजी माने जीव विज्ञान में, रसायन विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में 70 में 80% नंबर लाना है। 30 नंबर जो प्रैक्टिकल है उसको नहीं अभी यहाँ पे रीड करना है। तो 70 में 54 नंबर यदि वो ले आते हैं उसके बाद उनका प्रैक्टिकल 30 जोड़ के मान लीजिए 84 भी हो जाता तो कोई बात नहीं, उनको ये छात्रवृत्ति मुख्य रूप से मिलती है। या वो मैथ ग्रुप के हैं तो उनका मैथमेटिक्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री, या एग्रीकल्चर के हैं तो भी उनको 80% से ऊपर वालों को ही ये छात्रवृत्ति मिलती है। कब मिलेगी छात्रवृत्ति, क्या जैसे इंटरमीडिएट में ला लेंगे तुरंत उनको मिल जाएगी, नहीं ये छात्रवृत्ति उनको तुरंत नहीं मिलती है। जैसे अभी इससे पहले जो 2019 से पहले जो इसके छात्र रह चुके हैं उनको ये छात्रवृत्ति अब मिलने जा रही है, माने इसका आवेदन अब होने वाला है। तो आप देख सकते हैं इसका आवेदन आप कब कर सकते हैं, जब आप इंटरमीडिएट के बाद BSc कर रहे होते हैं या नेचुरल, चाहे नेचुरल साइंस से हो चाहे आपके मुख्य विषय से हो, तभी आप इसका आवेदन कर सकते हैं। और आपको स्कॉलरशिप कब मिलेगी, जब आप BSc फर्स्ट ईयर में 60% से ऊपर मार्क्स लाए होंगे, आवेदन करेंगे, तब आपको 80,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलनी है जिसमें आपको 60,000 रुपये कैश मिल जाता है और 20,000 रुपये आपको प्रोजेक्ट कार के लिए मिलता है। इस तरह से आपको BSc में माने 4 लाख जो आपको छात्रवृत्ति मिलने वाली है, ये BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल मिला के 3 वर्षों में 8 + 24 2,40,000 मिलना है। और इसके बाद यदि आप PG करते हैं साइंस साइड, नहीं PG करते हैं साइंस साइड से तो नहीं मिलेगी, साइंस साइड से PG करते हैं फर्स्ट डिवीज़न आप उसमें भी ले आते हैं तो आपको 2 वर्ष और MSc प्रीवियस या फाइनल में भी 80,000 स्कॉलरशिप आपको मिलती रहेगी। इस तरह से मित्रों आपको 8 × 4 लाख स्कॉलरशिप मिल सकती है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। यदि आप बोर्ड स्टूडेंट हैं और साइंस साइड से ही पढ़ाई कर रहे हैं तो सोने पे सुहागा आप कह सकते हैं, आपके लिए है और अभी पर्याप्त समय भी है। आप बढ़िया से तैयारी करके 80% से ऊपर मार्क्स लाएँ। और इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमारा जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, उसमें हमारा 70 में 80% मार्क्स होना चाहिए, माने 54+ होना चाहिए, प्रैक्टिकल से नहीं मतलब है। तो अभी इसको हम लोग डिटेल में देख सकते हैं, जो 2018 यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने 80% से ऊपर मार्क्स लाए हैं या कितना ऊपर मार्क्स लाना है, इसके थोड़ा मानक में परिवर्तन होता रहता है, कभी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है 80+ हो जाता है, कभी 88% हो सकता है। अभी इस वीडियो में हम लोग आगे देखते हैं कि वो कितने मार्क्स लाए हों 2018 वाले स्टूडेंट और कब उनको आवेदन करना है या किस तरह से आवेदन करना है। तो आइए देखते हैं वीडियो में।
यहाँ आप देख सकते हैं, ये मेधावी की करंट न्यूज़ है। मेधावियों को मिलेगी ₹80,000 की छात्रवृत्ति। अब यहाँ देख सकते हैं यूपी बोर्ड इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता, केवल यूपी बोर्ड को नहीं मिलना है, और भी बोर्डों को मिलना है, मैंने पहले भी कहा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अभी इंस्पायर अवार्ड योजना है ये, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूपी बोर्ड के मेधावियों को इंस्पायर्ड योजना के तहत सालाना ₹80,000 की छात्रवृत्ति मिलेगी। केंद्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से दी जाने वाली स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन सी के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। ये अक्टूबर है और इसमें देखिए इसका आवेदन शुरू हो गया है। सचिव यूपी बोर्ड नीना श्रीवास्तव ने बताया कि बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा 2018 में, आप यहाँ मार्क्स भी देख सकते हैं, 2018 के 409 या अधिक अंक हासिल करने वाले उन्हीं मेधावियों को या ड्रीम स्कॉलरशिप मिलेगी जिन्होंने नेचुरल और बेसिक साइंस में दाखिला लिया। देखिए हमने पहले आपको बताया कि केवल इंटरमीडिएट 80% मार्क्स ला लेने से नहीं मिलने वाली है स्कॉलरशिप। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिन्होंने नेचुरल और बेसिक साइंस में दाखिला लिया है माने ग्रेजुएशन में, और स्कॉलरशिप के लिए वेबसाइट यहाँ देख सकते हैं inspire.gov.in पर आवेदन किए जा सकते हैं इसके लिए। आप देख सकते हैं यूपी बोर्ड समेत अन्य बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में टॉप 1% मेधावियों में जगह बनाने वालों को यह छात्रवृत्ति मिलती है। तो यूपी बोर्ड के अलावा भी आप देख सकते हैं यूपी बोर्ड जो 409 नंबर लाए हैं उसे अंक लाए उनको स्कॉलरशिप मिलने वाली है। इसके साथ ही साथ अन्य बोर्डों में जो इस परीक्षा में टॉप 1% मेधावियों में जो टॉप 1% में आते हैं उनको भी ये छात्रवृत्ति मिलेगी। अब देखिए उनके लिए भी कंडीशन यहाँ पे है कि शर्त है कि छात्र ने गणित, सांख्यिकी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान अथवा लाइफ साइंस जैसे वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान आदि में स्नातक अथवा इंटीग्रेटेड स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश लिया हो, माने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया हो या पीजी में एडमिशन लिया हो, उनको सालाना ₹60,000 नगद और ₹20,000 जो है मुख्य रूप से प्रोजेक्ट कार्य के लिए मिलता है। तो मित्रों लग जाइए अभी से, और इस ड्रीम ये बहुत ही अच्छी योजना है इंस्पायर अवार्ड की, जो आप थोड़ा सा मेहनत कर देने पे आपको आसानी से मिल सकता है। और आप लोगों को गुड लक, और ये अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके मित्र भी इसका लाभ ले सकें, परिश्रम कर सकें और अच्छा स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकें आपके सहयोग से, यदि आप इनको इसे शेयर करते हैं तो। और वीडियो यदि मित्रों आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद मित्रों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।